इस मॉड्यूल में हम रिसर्च प्रपोजल के स्ट्रक्चर और उसके एलिमेंट्स पे बात करेंगे। हम जिन चीजों का भी इस मॉड्यूल्स में आने वाले मॉड्यूल्स में जिक्र करेंगे, इनमें हम तफसीलन इनके करने पे, इनके कॉन्सेप्ट पे बात हम पूरे कोर्स में पीछे करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना या उन कंपोनेंट को इकट्ठा करके ये दिखाना कि अगर आप रिसर्च का आगाज करने से पहले रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो उस रिसर्च प्रपोजल का मकसद क्या है और उस रिसर्च प्रपोजल को लिखने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे हम ज्यादा अपना फोकस रखेंगे। रिसर्च प्रपोजल जैसे आपके सामने मैंने रखा पहले भी, शुरू से इस कोर्स में बात करते चले आ रहे हैं इस पे, कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है या आपका प्लान ऑफ रिसर्च है या आउटलाइन ऑफ रिसर्च है जो आप लोगों के सामने रखते हैं। इसका मकसद अभी रिसर्च का आगाज नहीं हुआ, इसके जरिए से आप लोगों को ये कन्विंस करना चाहते हैं या इस बात पे आर्गू करना चाहते हैं कि जिस मौजू पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं ये अहमियत का हामिल है और इस पे रिसर्च किया जाना जरूरी है। तो रिसर्च प्रपोजल के पूरे डॉक्यूमेंट का एक सिंगल मकसद जो है वो अपनी बात को लोगों के सामने इस तरह से रखना, और लोगों से मेरी मुराद यहां वो एक्सपर्ट्स हैं जो इस प्रपोजल को सुनते और अप्रूव करते हैं, अपनी बात इस तरीके से उनके सामने रखना कि वो कन्विंस हो जाएं कि इस मौजू पे रिसर्च करना अहमियत रखता है, आपको पूरी समझ है कि इस रिसर्च को आप किस तरीक़ाकार से मुकम्मल करेंगे और इस रिसर्च की आउटकम्स जो हैं वो किस तरीके से अपने फील्ड में या अपने सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगी, इन बातों की वजाहत हम इसमें करते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि ये रिसर्च अभी होनी है इसके बाद, लेकिन लोग समझना चाहते हैं कि जो चीज़ आप टेकअप करने लगे हैं उसको करने की सलाहियत आप में मौजूद है। तो बेसिकली जैसा सामने स्लाइड्स पे भी लिख रखा है मैंने कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो रिसर्चर अपने इल्म से, अपने तजर्बे से, अपनी रीडिंग के नतीजे में तरतीब देता है और वो अपने स्टेक होल्डर्स को समझाना चाहता है कि मैं जिस काम को करने की जिम्मेदारी उठा रहा हूं इस काम को करने के लिए प्रीरिक्विजिट नॉलेज, इसकी समझ, इसके तरीक़ाकार और इस सब पे मुझे काफ़ी हद तक अबूर है और मैं ये वाजे कर सकता हूँ कि इसकी आउटकम जो हैं वो अपने फील्ड ऑफ स्टडी में कंट्रीब्यूट करेंगी। इसमें, इस डॉक्यूमेंट में आप बुनियादी तौर पे अपने टॉपिक की सिलेक्शन से लेके उसका रैशनल यानी क्यों इस पर स्टडी करनी चाहिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि आपको मेथड आता है, आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, उनकी रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपने उससे जो टूल चूज किए हैं वो आपको पता है कौन से होने हैं, आपने लिटरेचर को पढ़ रखा है, ये तमाम बातें उसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, ये बातें उसका एक्शन प्लान है सारा, कब कब कौन सी चीज होगी जिसके और उसको करने के लिए आपके जहन में प्लान किस तरह से बना हुआ है। लोग इसके जरिए से आपकी कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं। अभी ये रिसर्च होनी है, प्रपोजल के एंड पे अगर सुनने वाला ये फैसला ना कर सके कि आप जो कह रहे हैं आप उसको करने के लिए कैपेबल हैं, तो फिर रिसर्च के प्रपोजल के अप्रूव होने का इम्कान कम होता है। अमूमन रिसर्च प्रपोजल जो हैं वो इस वजह से रिजेक्ट नहीं की जाती कि उनके टॉपिक्स दुरुस्त नहीं होते, ये भी एक वजह हो सकती है लेकिन ये अमूमन ये वजह नहीं होती। वजह उस रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करने वाले की ये सलाहियत कम होती है कि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि जो जो रिसर्च वो प्रपोज कर रहा है उसको करने के लिए वो कैपेबल है, उसके बारे में इल्म रखता है, उसमें वो स्किल मौजूद है जिसके जरिए से ये रिसर्च कंडक्ट होनी है,
और जो आउटकम्स वो कह रहा है कि इस रिसर्च के आउटकम्स होंगी, प्रोबेबल आउटकम्स होंगी, वो किस तरह से अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेंगी। इन चीजों में कमी रह जाने से रिसर्च प्रपोजल्स अमूमन रिवाइज की जाती हैं या वापस कर दी जाती हैं। आपके सामने ये बात रखने का मकसद ये है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हों तो ये बात आप जहन नशीन रखें कि आपको इस डॉक्यूमेंट से हासिल क्या करना है।